हेलो एंड वेलकम यूर टेक बस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है टिकटॉक अकाउंट कैसे डिलीट करें। तो अगर आप भी टिकटॉक ऐप से अपना अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं या फिर उसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसी का तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर टिकटॉक ऐप है उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही TikTok ऐप ओपन हो जाती है तो यहाँ पे नीचे आपको प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, उस पर टैप करके आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल पे आने के बाद ऊपर आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप कर लेंगे और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज माय अकाउंट, तो आपने इस पर टैप कर देना है। इसको टैप करने के बाद आप नीचे अगर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। तो मैंने ये जो टिकटॉक अकाउंट है ये अपने ईमेल को यूज़ करके बनाया था, यानी कि ईमेल आईडी से मैंने अपना ये अकाउंट बनाया था, तो इसलिए ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है तो ये आपके मोबाइल पर एक SMS कोड भेजेगा, वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद आपका जो है ये वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो मैं अपना पासवर्ड डाल के इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ये आपसे कन्फर्मेशन मांग रहा है, आपको यहाँ पे मैसेज लिखा रहा है कि अगर आप अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 30 दिन के लिए है जो आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और 30 दिन जैसे ही कम्प्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो 30 दिन तक आपने इस अकाउंट में लॉगिन करने की कोई कोशिश नहीं करनी है, तो आपको अपना मोबाइल या ईमेल यूज़ करके इसमें दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश नहीं करनी है और जैसे ही 30 दिन पूरे जाते हैं आपका अकाउंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है टैप करके और यहां से डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये होम पेज पे ले आएगा। तो आप अगर दोबारा से अपनी प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इस तरीके का पेज दिखाएगा। तो यहां पे लिखा रहा है साइन अप फॉर एन अकाउंट। तो अब जो है हमारा जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हो गया है और 30 दिन बाद ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल, इसमें आपने सीख लिया है टिकटॉक अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल से रिलेटेड और मोबाइल ऐप से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में घंटी का आइकन दिखाई देता है उसको भी दबा देना है ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं यूर टेक बफ को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगा आपको जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।